बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साहब शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में आपको नंबर सेपरेशंस करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेटाबेस में से नंबर्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास एक डेटा मौजूद है। इस डेटा के अंदर अगर आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं और कुछ आपके पास नेम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से पूरी लिस्ट में से जो है वो अपने पूरे डेटाबेस कह लें, तो अगर आप इसमें से नंबर की सेपरेशन करना चाहते हैं तो आज हम इस क्लास के अंदर जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं तो ये फार्मूला जो है वो आपके बहुत काम आएगा। तो वैसे हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स मैंने बना के रखे हुए हैं कि नंबर्स और टेक्स्ट की सेपरेशन कैसे की जाती है, तो वो वीडियोज़ को लाजमी देखें, हमारे चैनल पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक न्यू टेक्निक और एक न्यू फार्मूले के साथ। तो यहाँ आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इफ़ एरर का जो फॉर्मूला है ये आपको राइट करना है यहाँ पर। अब यहाँ आपसे वैल्यूज पूछेगा तो वैल्यूज के अंदर आप देंगे जहां पर आपके पास आपके डेटाबेस में वैल्यू होगी आपने उस सेल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे वन से, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा वैल्यू इफ एरर के अंदर, अब वैल्यू इफ एरर जो होगा उसके अंदर आपने डबल कोटेशन ओपन करना है, डबल कोटेशन क्लोज कर देना है और ब्रैकेट क्लोज, ये कंडीशंस आपको लगानी है इफ एरर की। तो इस ट्रिक से क्या होगा, आपका जो नंबर होगा वो सेपरेट हो जाएगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एंटर करते हैं और हम अपना रिजल्ट देखते हैं। तो जैसे एंटर करेंगे तो अभी यहाँ ब्लैंक आ रहा है क्योंकि यहाँ टेक्स्ट है और आपका नंबर्स नहीं है। तो जब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपकी लिस्ट के अंदर यानी आपके डेटाबेस में नंबर्स थे उसने यहाँ पर हमें जो है वो नंबर सेपरेट करके दे दिए। तो इस टेक्निक से, इस फॉर्मूले से जो है वो आप अपने नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो कैसी लगी ये ट्रिक जो मैंने आपको आज क्लास में बताई है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि आने वाली वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।